हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मज़े में ही होंगे। आज हम जानेंगे कार्बोरेटर के ओवरफ्लो के बारे में, किस वजह से ओवरफ्लो की समस्या आ रही है। मैं आपको बताऊंगा ओवरफ्लो की प्रॉब्लम ना आए इसलिए आपको क्या-क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो पहले हम देखते हैं इस कार्बोरेटर में क्या दिक्कत है, किस वजह से ओवरफ्लो हो रही है। ओवरफ्लो होने के कई कारण हो सकते हैं। आपको देखना है, नंबर वन, फ्लोट पिन के बीच कचरा आ जाना। नंबर टू, फ्लोट पिन का लेदर खराब हो जाना। नंबर थ्री, जहाँ फ्लोट पिन बैठती है वहाँ सीट का सरफेस खराब हो जाना। और नंबर फोर, जो हमारी प्लास्टिक की फ्लोट है उसकी लीकेज होने के कारण फ्लोट के अंदर पेट्रोल का भर जाना। लेकिन वहाँ तो ना कचरा है, ना फ्लोट की पिन खराब है, ना ही फ्लोट लीकेज है। वहाँ प्रॉब्लम है सीट की सरफेस खराब हो जाना। वहाँ सीट की पूरी सरफेस रफ हो चुकी है। चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे पड़ चुके हैं। वाल्व ग्राइडेंस की एमरी पाउडर लगाकर सीट की सरफेस लेने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश हमारी नाकामयाब रही। हमारे पास एक ही ऑप्शन था, नया कार्बोरेटर इंस्टॉल करने का, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर को ऐसा बड़े खर्च का सामना करना पड़े, क्योंकि वो पैसा न तो कस्टमर के पास रहता है, न तो मैकेनिक के पास रहता है। कंपनी के पास जाता है और वहाँ से वेंडर मैन्युफैक्चर के पास जाता है। न हमारा फायदा है, न कस्टमर का फायदा है। इस बड़े खर्च से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। लंबे वक्त के लिए गाड़ी को आपको नॉन यूज नहीं छोड़ना है। आपको फ्रेश पेट्रोल ही यूज करना है। हफ्ते भर में जितना पेट्रोल चाहिए उतना ही आप डलवाएं, उससे ज़्यादा नहीं डलवाएं। वो सारी दिक्कत पुराने पेट्रोल्स की वजह से ही होती है। बाइक की केयर कीजिए, फिजूल खर्च से बचिए। दोस्तों, आपकी बाइक की समय समय पे सर्विसिंग कराते रहिए, कार्बोरेटर की क्लीनिंग करवाते रहिए, समय समय पे ऑयल चेंज करवाइए, उसकी साफ़ सफाई करवाइए। उसकी वजह से आपको कोई मोटा खर्चे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।